हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले प्री पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। किसने दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट, वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की अकबर ने। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट पॉइंट, राम सीता की आकृतियों और राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, हरिविजय सूरी। अधम खां जिसके द्वारा मारा गया था वो था बादशाह अकबर। नेक्स्ट पॉइंट, वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है बादशाह अकबर। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम को समकालीन भारतीय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था वो था गोलकुंडा। राजपुताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाह। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। नेक्स्ट पॉइंट, चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। नेक्स्ट पॉइंट, मुगलों में से अनपढ़ था अकबर। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था वो था अकबर।